अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो ये बात तो आपको पता होगी कि YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि थंबनेल को देखते ही लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं और आपकी वीडियो को वॉच करते हैं। मतलब कि थंबनेल ही व्यूअर्स को आपकी वीडियो की ओर खींच के लेके आता है। इसलिए थंबनेल हमेशा आई कैची होना चाहिए कि जिसको देखते ही लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका अपने चैनल बिग हंटर में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसान तरीके से अपने फ़ोटो के साथ अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ थंबनेल बना सकते हो और अपनी वीडियोस पे लगा सकते हो। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना तो फर्ज बनता है आपका। चलिए फिर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो चलिए मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हो और अपने थंबनेल के ऊपर कैसे आप PNG जो लगाते हो वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे अपनी थंबनेल के ऊपर लगाने हैं, इस वीडियो में सारा मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और ध्यान से देखिए और वीडियो को समझिए। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पिक्सल लैब। को डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसका आपको करना है साइज़ चेंज। हमें इसका साइज़ बनाना है यूट्यूब थंबनेल का। सो आपको क्या करना है, ये ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करके इमेज साइज लिखा हुआ है, इस पर करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करके ये देखिए, ये लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करके इसको ओके करोगे तो ये अभी अब हमारा साइज़ हो गया यूट्यूब थंबनेल का। सो उसके बाद जो ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हमें करना है डिलीट। तो डिलीट कैसे करेंगे, उस पर एक बार टच करके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये डिलीट का बटन, ये इसको कर देना ओके। ओके, ये देखिए अब हो गया डिलीट। इसके बाद सबसे पहला काम हमारा क्या है कि आपको किस कलर में आपका थंबनेल बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो आपको नीचे दिख रहा है इधर, ये देखिए, ये तीसरे नंबर वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन, ये इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कलर, ये रहा कलर। कलर पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, एक तो आ रही है जहाँ पे कलर लिखा है और दूसरी आ रही है ग्रेडियंट। तो कलर में तो क्या है कि जो कलर इसमें है वो आपको दिख रहे हैं, और ग्रेडियंट में क्या है कि आप कलर खुद बना सकते हो। तो कलर खुद कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपको करना है ये प्लस, इस पर प्लस के साइन पे कर देना आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये है यहाँ पे दो शेड हमें दिख रही हैं, एक तो ये है और दूसरी है ये। इसको आप ऊपर देखिए, आपको 6 इसके साइज दिख रहे होंगे ये। अगर आप उस पर एक एक करके टच करते हो तो देखिए ये क्या है कि अगर आप दो शेड का कलर बनाते हो, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि हल्का ग्रीन है, डार्क हल्का लाइट ग्रीन है, तो वो दो कलर मतलब आप किस साइड में किस तरह चाहते हो। जैसे इसमें देखिए नीचे डार्क हो गया, ऊपर लाइट हो गया, अगर नेक्स्ट वाले पे करते हैं तो बीच में लाइट हो गया, उस पे करते हैं तो ऊपर लाइट हो गया, लास्ट वाले पे करते हैं तो लेफ्ट साइड में लाइट हो गया, वो आपके ऊपर है आप किस वाला कहाँ पे रखना चाहते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे कलर पे कर लेना क्लिक। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हो। सो एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे पहले आपको क्लिक करना है इधर, इस पर क्लिक करना है ऊपर का रंग बनाने के लिए। मतलब जैसे दो शेड बनेंगे ना, तो पहला शेड बनाने के लिए इस पर क्लिक करके
उसके बाद आपको इस पे करना है कलर पे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप ऐसे उंगली घुमा के जो रंग आपको पसंद है आप वो रंग बना सकते हो। तो चलिए मैं ये बना लेता हूँ हल्का रेड या मैरून टाइप का। तो आप इनको भी ऐसे जैसा भी कलर मतलब आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको घुमा के बना सकते हो। तो इसको तो ऐसे फुल पे ही, लास्ट वाले को तकरीबन फुल पे ही रहने देना, और जो ऊपर के दो हैं उनको आप ऐसे हिला के कलर बना सकते हो। तो चलिए ये कलर सही है तो इसको कर देंगे हम ओके। तो उसके बाद दूसरा आपको सेलेक्ट करना है, जैसे पहले ये वाला किया इसके बाद इस पे करना है दूसरे पे। दूसरा शेड बनाने के लिए पहले एक बार उस पे टच करना है, टच करने पे वहाँ हल्का येलो सा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर से करना है यहाँ पे कलर पे, कलर पे क्लिक करते ही दूसरा शेड हमें बनाना है। तो दूसरा शेड हम बना लेते हैं, तो चलिए थोड़ा इस टाइप का मैं बना रहा हूँ ओके। ये देखिए कुछ इस तरह का ब्लैक और मैरून या फिर रेड आप बोल सकते हो, ये बना है। उसके बाद आपको क्या करना है इसको कर देना ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा कलर रेडी दो शेड का। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो आप देख रहे होगे कि दो शेड में कलर ये बन चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमें इसको कर देना ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी ट्रांसपेरेंट, इस पे करना है हमें क्लिक। तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये नीचे से सेंटर वाली ऑप्शन पे करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ की ऑप्शन दिख रही होगी ये वाली, तो मैं आपको साथ के साथ लाइन मार के दिखा भी रहा हूँ कि कैसे आपको कहाँ कहाँ क्लिक करना है। आप वरना वीडियो को रोक रोक के भी अपना एक बार थंबनेल बना के देख सकते हो। तो ड्रॉ पे हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको थोड़ा ऊपर उठा के ये फिल इन साइड वाली जो ऑप्शन दिख रही है आपको, इसको हम कर देंगे इनेबल। ये इसको कर देना इनेबल। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपके पेन का साइज है, पेन साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। चलो इसको 20 पे रहने देते हैं। और कलर इसमें आपको हमेशा वाइट ही सिलेक्ट रखना है। ये बस जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इफ़ेक्ट बना रहे हैं हम इफ़ेक्ट, तो ये सिर्फ एक बार बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद आप दोबारा जब भी थंबनेल बनाओगे ये आपकी गैलरी में सेव रहेगा। तो इसमें हम वाइट ही कलर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसमें जैसे भी मैं देखना ध्यान से, इसमें बस ऐसे 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 घुमा के यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक है जी। ऐसे करने के बाद हमें क्या करना है, ओके पे कर देना इधर क्लिक, ये टिक पे हम कर देंगे क्लिक। क्लिक होने के बाद ये देखिए ये बन गया है हमारा इफेक्ट, ये इफेक्ट बन गया है हमारा। तो चलिए पहले सबसे हम क्या करना है, हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ऊपर सेव की ऑप्शन आपको दिख रही होगी, इस पे करना है क्लिक। सेव एज इमेज पे करके क्लिक, सेव टू गैलरी। तो चलिए हमारा इफेक्ट हो चुका है सेव। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस सेंटर के साथ वाली ऑप्शन जो है उस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर पे करना है सिलेक्ट, जो आपका कलर था उसको हमें कर लेना है सिलेक्ट। ये रहा हमारा कलर, कलर पे अपना आपने कर दिया टच। टच करने के बाद ये वाले इफेक्टों को हम कर देंगे डिलीट, इस पे क्लिक करके इसको कर दो डिलीट। ये आ गया हमारा कलर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके इम्पोर्ट पे करेंगे क्लिक, इस पे। तो इम्पोर्ट, तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्ट पे कर देना है क्लिक। क्लिक करके ये देखिए जो हमने इफेक्ट अभी थोड़ी देर पहले बना के सेव किया था
वो ये देखिए हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस पर हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और नीचे करेंगे टिक पे क्लिक इस पर, और ये आ गया हमारा इफेक्ट। अब इसको क्या करना है, अगर तो आपको अपनी फोटो इस साइड लगानी है तो आप इसको बड़ा करके ऐसे यहाँ से बड़ा कर ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लगाओ इस साइड। अगर आप अपनी फोटो इस साइड लगाना चाहते हो तो फिर आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे आप उसको घुमा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर दो तो इसको देखो ऐसे कर देना सेट। ये देखिए ऐसे इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पे ओके पे हम कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए इस पे हमें करना है टच। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको लॉक दिख रहा होगा तो हमें इसको कर देना लॉक, ताकि ये हिले ना, वरना आप इस पे और अब भी एडिटिंग करोगे तो ये हिलता रहेगा। तो इस पे हमें लॉक पे कर देना है क्लिक। ये देखिए लॉक पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे कितनी भी ऐसे उंगली घुमा लो बट वो नहीं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी फ़ोटो को करना है सिलेक्ट। जो फ़ोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो उसके लिए क्या करना है, नीचे इम्पोर्ट पे करना है क्लिक। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी गैलरी में जाके अपनी फ़ोटो को करो सिलेक्ट। और अगर आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके remove.bg सर्च करना है। वहाँ पे जो फ़ोटो का बैकग्राउंड टोटली रिमूव करना चाहते हो वहाँ पे फ़ोटो अपलोड की ऑप्शन आएगी। फ़ोटो अपलोड करो, चुटकी बजाते ही 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से रिमूव करके रखा है तो हम उस पर करते हैं। तो चलिए मैं ये वाली फ़ोटो कर लेता हूँ सिलेक्ट, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, अब ये फ़ोटो को आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे बड़ा कर सकते हो खींच के नीचे से। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहो वहाँ सेट कर सकते हो। ये देखो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। और अब ये थोड़ा क्या है कि सिंपल सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, ये देखिए नीचे बहुत सारी ऑप्शन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्ट्रोक वाली ऑप्शन आपको दिख रही होगी, इस पर करना है क्लिक। इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद आप जो भी कलर का करना चाहते हो, पीछे आउटलाइनिंग हो जाएगी पूरी, मतलब फ़ोटो के साथ ब्लैक की करना चाहते हो, रेड की करना चाहते हो या फिर वाइट की करना चाहते हो। जो वाइट तो दिखेगा नहीं, तो चलो मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे आप ऐसे साइज इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे मैं इतना इसका रहने देता हूँ साइज, चलिए इतना काम हो गया। उसके बाद इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप थोड़ा और इसको अगर स्लाइड करके देखते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आती है शेडो। शेडो पे हम करते हैं क्लिक। शेडो को करके देखते हैं इनेबल। इनेबल करोगे तो पीछे शेडो आ रही है, आप देख, ये देखिए आप इसको ये देखिए इस तरह से अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको सेट लगे वहाँ इसको रख सकते हो। तो चलिए इतना सही है, अब सही लग रहा है। अब इसको ये करने के बाद अब इसको भी आप कर दोगे लॉक, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी कर दो लॉक, ताकि ये हिले ना। दोबारा फिर उसी पे टच करना है आपको, यहीं पे टच करके तब ये जाएगा। तो चलिए इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे जो ड्रॉ की ऑप्शन आपको दिख रही है इस पर करना है क्लिक। कलर थोड़ा डार्क, जैसे मैं रेड ही लेता हूँ रेड कलर में, यहाँ से थोड़ा बस हल्की सी लाइन ऐसे खींचनी है आपको कि देखने में ऐसा लगे कि जैसे कुछ इस पर लटक रहा है। ये देखिए ये लाइन खींचने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब जाएंगे हम सेंटर वाली ऑप्शन में, इंपोर्ट पे करेंगे क्लिक
और जो गैलरी में मैंने पहले से अपने थंबनेल वीडियोस के बना रखे हैं, अब उनमें से मैं कोई दो को कर लेता हूँ सिलेक्ट। अभी देखिए, ये देखिए कुछ ऐसे, इनको मैं देखो ऐसे कर देना, फिर इम्पोर्ट पे जाना, फिर गैलरी में जाना, फिर दूसरे वाला उठा के ओके करके उसको भी सेम ऐसे इधर सेट कर देना। कुछ इस तरह से ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट एड लिखना है। ये नीचे टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल, इसको करेंगे ओके। यहाँ पे लेके आएंगे सेंटर में, इसका साइज थोड़ा ऐसे बड़ा कर देना साइज। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इसको ऐसे, अब नीचे जितनी भी ऑप्शन दिख रही हैं उनमें से अब आपको क्या करना है, पहले तो ये देखिए फॉन्ट पे क्लिक करके मैं इसके फॉन्ट ये वाले लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखेगी बैकग्राउंड की ऑप्शन, इस पर करो क्लिक, इसको करो इनेबल। अब आप ऐसे जो आपके कलर के इसमें अकॉर्डिंग, मतलब बैकग्राउंड का कलर सही लगे वो आप इसमें बैकग्राउंड रख सकते हो। तो चलिए मैं ये वाला रख लेता हूँ। इसके बाद फिर उसके आगे आपको एक ऑप्शन दिखेगी स्ट्रोक की, इस पर करेंगे क्लिक, इसको करेंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद ये नीचे जो स्ट्रोक विड्थ आपको दिख रही है इसको थोड़ा सा आप मतलब ज़्यादा कर दो, थोड़े उसमें कलर की लुक अच्छी हो जाती है, जो मतलब फॉन्ट जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसकी लुक थोड़ी अच्छी उससे दिखने लगती है। ये देखो कुछ ये करने के बाद अब नीचे हम लिखेंगे टेक्स्ट, एक और लिखेंगे अगर आपको कोई PNG चाहिए, जैसा इस थंबनेल में मैं YouTube का लोगो लगाऊंगा वैसे आपको PNG चाहिए, तो इमेज डाउनलोडर नाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब इसको भी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, इसका थोड़ा साइज कर लेते हैं बड़ा, और उसके बाद इसके भी फॉन्ट कर लेते हैं चेंज। फिर उसके बाद बैकग्राउंड को इनेबल करते हैं, बैकग्राउंड का कलर आप जो आपको सही लगे वो आप रख सकते हो, तो मैं इसका कलर थोड़ा अलग रखता हूँ, तो चलिए मैं ये वाला कलर रख देता हूँ ओके करके। इसके अभी ये स्ट्रोक पे क्लिक करके इनेबल, नीचे स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा आप विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर दो, उससे क्या है कि फॉन्ट की जो है लुक थोड़ी अच्छी बन जाती है। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़े PNG ऐड करने हैं, जो मैंने जो आपको एप्लीकेशन बताई है इमेज डाउनलोडर, वहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। तो गैलरी में जाके मैं करता हूँ उनको सिलेक्ट, ये देखिए ओके। तो सबसे पहले ये YouTube का ऊपर लगा देते हैं, ये लगाने के बाद इसको भी ये स्ट्रोक पे करके क्लिक, वाइट कलर में इसकी विड्थ थोड़ी करेंगे ज्यादा, बस इतने इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो चाहो PNG ऐड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छा बना सकते हो। ये मैंने आपको एक
आसान तरीका बताया इफ़ेक्ट्स के साथ कि कैसे आप अपने मोबाइल से अच्छे अच्छे ऐसे कटिंग वाले इफ़ेक्ट्स बना सकते हो। ये मैंने टेम्प्रेरी आपको बना के दिखाया ताकि आपको पता चले कि पिक्सल ऐप में भी कैसे इफ़ेक्ट बना सकते हैं ये कटिंग वाला। अपनी फ़ोटो को लगाओ, उसके बाद जो PNG डाउनलोड करने की एप्लीकेशन बताई है वहाँ से डाउनलोड करके आप कैसे भी इसमें और PNG ऐड कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और अच्छे अच्छे थंबनेल बना के वीडियोस पे लगाओ। सो ये था सबसे आसान तरीका अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स लगा के थंबनेल बनाने का और अपनी वीडियोस पे लगाने का। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।